दोस्तों आज असी 18 अक्तूबर दिन घटनावां का चर्चा करांगे जिन्होंने सिख तारीख ने रिकॉर्ड किया। सब तो पहली घटना 18 अक्तूबर 1982 के दिन की है, जिस दिन अमृतसर में BSF बार्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके वादे कर दिया गया। असी जानते हैं कि 19 जुलाई 1982 के दिन सिख फैडरेशन के प्रधान भाई अमरीक सिंह भिंडरा मेहता डेरा जोड़ा है चौंक मेहता ये मुख्य सेवादार ठाक 18 सिंह झूठे केस गिरफ़्तार कर लिया, जिसका मतलब से कि ज्ञानी जरनैल सिंह परेशान करना। हूँ भाई अमरीक सिंह 18 सिंह की गिरफ्तारी तो बाद जापता है कि पुलिस ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरा वाले भी गिरफ़्तार कर लेगी। सो इस करके जिस दिन इन दोनों गिरफ़्तार किया गया तो ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरा वाला बाबा जरनैल सिंह वाली दरबार साहब पहुँच गए और इन्होंने रिहाई वास्ते मोर्चा लाने का ऐलान कर दिया। तो पहले दिन 51 सिखा ने गिरफ़्तारी दी, उधर श्रोमणी अकाली दल ने भी 26 तारीख में अमृतसर में अपनी मीटिंग सदी हुई सी। तो इस मीटिंग तो पहला भिंडरा वाले ने ऐलान किया कि 25 तारीख में असी जिहड़ा नवे पॉलिसी का प्रोग्राम का ऐलान करांगे। तो 25 तारीख में गुरचरण सिंह टोड़ा तो भान सिंह पिंडा वाले को गए तो जाके उन्होंने कहा भी अड़ा मोर्चा अपना लवेंगे, तो इस करके उन्होंने कोई ऐलान ना किया। तो 26 तारीख में फतेहगढ़ साहब चोरी मीटिंग से अकाली दल ने पिंडा का मोर्चा अपना लिया, यानी कि सीधे तरीके अपना लिया, तो 4 अगस्त तो धर्मयुद्ध मोर्चा लाने का ऐलान कर दिया, जिसे पिंडा वाले ने अपना मोर्चा शामिल कर दिया। सो क्योंकि अकाली दल की जोड़ा मोर्चा से एक मद यह भी शामिल से कि गिरफ़्तार किए सारे बेगुनाह सिख रिहा किए जा, जिंद अमरीक सिंह 18 सिंह भी आ जाते सन। तो इस तरह यह मोर्चा जोड़ा है ये पिंडा वाले का मोर्चा अकाली दल ने असी दे तरीके कानून एक एक दूजे पासों हथ लाने वाली गल सी तो अपना लिया। तो इस तो बाद 4 अगस्त में जोड़ा ये मोर्चा शुरू हो गया सीगा। तो इस मोर्चे च बाद हरचंद सिंह लौंगोवाल जगदेव सिंह तलवंडी सुखजिंदर सिंह जिन्हों के वक्रे वक्रे अकाली दल सन उन्होंने भी इस मोर्चे के शामिल होने का ऐलान कर दिया। तो भावें कारण कुछ भी सन, सो ये सारे जो मोर्चे चल रहे सन इस तरह तलवंडी दिल्ली तो चला रहा है छोटे मोर्चे हो चल रहे, तो इस सारे मोर्चों को सामने रखे तो भारतीय फौज ने सरकार भारत सरकार ने तो दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर से उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को कह के 18 अक्तूबर 1982 के दिन बार्डर सिक्योरिटी फोर्स लै दी, जिन्होंने दरबार साहब अमृतसर के ही आले दुआले शहर के दे सारे इलाकों के उत्ते कब्जा कर लिया। इस तो बाद साढ़े को 18 अक्तूबर 1984 की घटना है, जिस तरह असं जानते हाँ कि भारत सरकार का ज्ञानी कृपाल सिंह जोड़ा अकाल तख्त का मुख्य सेवादार सीगा, जिसको पंथ रद्द कर चुका सी, अंदरूनी समझौता से कि 29 सितंबर के दिन दरबार साहब का अंदरूनी हिस्सा जोड़ा वो खाली करता जाएगा, पर दरबार साहब के आले दुआले हर मोड़ से नहीं बल्कि गुरु रामदास सरां गुरु नानक नवास श्रोमणी कमेटी के अकाली दल के दफ्तर उत्ते अजे भी वाह वर्दी से हथियारबंद भारतीय फौजी तैनात सन। इस तो इलावा सिविलियन पहरावे में ही फौज CRP BSF के पंजाब पुलिस के सैकड़े मुलाजम हर वे दरबार साहब मौजूद रहते सन। 1 अक्तूबर में दरबार साहब सिखा के काफले पुजने शुरू हो गए, जो फौज अंदरों अंदर इलाके चली गई तो ये कुछ नौजवान ऐसे है जिन्होंने दरबार से थां थां खालिस्तान लिख के झंडे गाड़ दिए। इस दे नाल जिहड़ा उन्होंने जिहड़ी सरकार वालों मुरम्मत की इमारत सी उहदे ते गए, उन्होंने कृपाल सिंह की जिहड़ी है पुजारी कृपाल सिंह की खूब कुटमार की, तो कृपाल सिंह ने दोबारा फौज बुला ली, 300 नौजवान गिरफ़्तार करा लिया। 12 अक्तूबर 1984 के दिन तो अमृतसर सरोवर की कार सेवा शुरू हुई, इस कार सेवा में शामिल होने वास्ते 1000 सिखा ने हिस्सा लिया। तो सिर्फ 6 दिन ही 18 अक्तूबर के दिन यह कार सेवा पूरी हो गई। तो कार सेवा में हिस्सा पाते अकाल तख्त की हालत वेखने वाले होर भी बहुत सारे सिख सन, जिन्हें बेअंत सिंह भी सीगा, बेअंत सिंह इंदिरा गांधी का जोड़ा वो सिक्योरिटी अफसर सीगा, सिक्योरिटी गार्ड होने करके उसको सारा उसका अंदर का पता सीगा, उन्हें भी आके जब देखा तो उन्होंने भी दरबार साहब की बेगुनती से जोड़ा वो बहुत दुख होया रो होया, तो उसने इंदिरा गांधी की सजा देने का फैसला कर लिया। तो यह घटना जी 18 अक्तूबर 1984 की है, जिस दिन यह कार सेवा जी पूरी हुई है। इस तो बाद साढ़े को नकली मुकाबले की घटनावान 1986 की 18 अक्तूबर के दिन पुलिस ने कुलदीप सिंह पप्पू बबर खालसा का, जिसनों 10 अक्तूबर 1985 के दिन पिंड सत्ती वाला फिरोजपुर तो नेड़ियों गिरफ़्तार किया गया, 17 अक्तूबर फिरोजपुर च वेलर पिंड नेड़े पुलिस राचों फरार होया, आके अगले दिन 18 अक्तूबर 1986 के दिन नकली मुकाबले शहीद कर दिता। 1999 की भी घटना है कि 18 अक्तूबर 1999 के दिन CRPF ने कंवरजीत सिंह सुल्तानवेट पंथक कमेटी वाला तो निर्मल सिंह निम्मा ने एक घर में गिरफ़्तार किया। कंवरजीत सिंह ने भजन की कोशिश की, पर पहला एक बार उसकी लत्त गोली बची होने करके
लातों की नकारा हो चुकी सी, इस करके वह दौड़ ना सकया। तो उसके हिरासत में भज जान या छुड़ाए जाने तो डरद्या पुलिस ने उसनों सतलुज सिनेमे के कोल ही नकली मुकाबला बना के शहीद कर दिता। पुलिस ने यह प्रचार भी किया कि निर्मल सिंह निम्मा ने साइनर का कैप्सूल खा के जान दिती है। चेते रहे कि कंवरजीत सिंह उही सीगा जिसने कुछ दिन पहला अजे पुलिस अफसर सुमेध पुलिस अफसर गोबिंद राव नूं बंब राही उड़ाया सीगा। तो इसे दिन ही 18 अक्तूबर 1999 के दिन पुलिस ने हरी सिंह ध्यानी खुर्द लुधियाना वासी नूं नकली मुकाबले शहीद करता। 1992 की भी घटना कि 18 अक्तूबर 1991 1991 के दिन 18 अक्तूबर के दिन पुलिस ने बविंदर सिंह पुत्र शमशेर सिंह वासी भावा कलां लुधियाना एक नकली मुकाबले शहीद कर दिता। 1992 की घटना कि पुलिस ने 18 अक्तूबर 1992 के दिन सुरजीत सिंह कुलदीप सिंह निशान सिंह दिलबाग सिंह नसीब कौर पुत्री दल सिंह वासी ठुडीवाल संगरूर मगर सिंह पुत्र लाभ सिंह वासी ठुडीवाल संगरूर तरसेम सिंह पुत्र सुरता सिंह वासी खोजपुर सरवण सिंह पुत्र गोबर सिंह वासी तारापुर सुरजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह वासी मनियाला कलां कुलदीप सिंह पुत्र मस्सा सिंह वासी वरपाल खासा किशन सिंह पुत्र दयाल सिंह वासी राजो के दिलबाग सिंह पुत्र अर्जन सिंह वासी शाहपुर वख वख नकली मुकाबलों शहीद कर दिता। 18 अक्तूबर 1992 की गल है कि इस दिन जिंदा ते सुखा अनमित अकाल तख्त जिहड़ा है भोग पाया गया। चेते रहे कि 9 अक्तूबर 1992 के दिन जिंदा ते सुखा नूं पूना च फांसी दिती गई सी। वो जिंदा ते सुखा नूं फांसी दिती गई सी इस करके उन्होंने भारतीय फौज के मुखी जिहड़ा है जनरल वैद्य नूं कतल किया सी। ते जनरल वैद्य वह सी जिन्हें 4 जून 1984 के दिन दरबार साहब ते हमला किया सी। तो क्योंकि उन्होंने शहीदी जिहड़ी है 9 अक्तूबर 1992 की सी ते उहदे वास्ते शहीदी दे वास्ते अकाल तख्त ते पाठ रखिया तो उस पाठ का भोग 18 अक्तूबर पैना सीगा। ते पंजाब दे जालम चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह ते पुलिस मुखी ने ने ऐलान किया के पी गिल ने कि असी यह समागम नहीं होने देंगे। उन्हें सारे पास उत्तों कर्फ्यू ला के लोगों को आने तो रोक लिया पर इसके बावजूद लोग अंदर जा चुके सन या कंधा टप के कोठे टप के जो पहुँच चुके सन वो सारे इस में शामिल होए। उन्होंने 18 अक्तूबर 1992 के दिन उन्होंने शहीदी के संबंध में भोग पाया। तो जोड़े बंदे हाजिर हो चुके सके सन उन्होंने जगदेव सिंह तलवंडी मनजीत सिंह अरमिंदर सिंह गिल गुरजार सिंह रणीके ओंकार सिंह मत्थे डंगल तो होर बहुत सारे सिख सन। तो इस दे नाल ही श्रोमणी कमेटी ने किया कि दिवाली वाले दिन से दीपमाला नहीं की जाया करेगी, अगे तो दरबार साहब काली दिवाली मनाई जाया करेगी। जिसन बाद मनजीत सिंह जोड़ा है केसगढ़ का ग्रंथी जो अकाल तख्त का एक्टिंग ग्रंथी बनया उसने आके ये चीज़ अगले साल तोड़ दिती। हालांकि सिखा ने दिवाली हिंदुआ की दिवाली नू काली दिवाली करके बिल्कुल नेरा करके मना फैसला किया। सो यह सन घटनावान जो 18 अक्तूबर हुई तारीख ने रिकॉर्ड की। शुक्रिया।